उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मिड डे मील के खाने से 15 लड़कियां बीमार हो गई। मिड डे मील के भोजन से बीमार हुई लड़कियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजने की जगह स्कूल में ही तांत्रिकों को बुलाकर झाड़ फूंक शुरू करा दी गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। लोग स्कूल स्टाफ के साथ ही प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के महोबा जिले के पनवाड़ी विकास खंड के महुआ गांव स्थित कन्या प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील के भोजन के बाद 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी छात्राओं को उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल परिसर में ही तांत्रिकों को बुलाकर झाड़फूंक कराया जा रहा था। स्कूल में छात्राओं की झाड़फूंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल के पास बने मंदिर में तंत्र क्रिया की गई, जिसका असर स्कूल में हुआ है। स्कूल की छात्राओं पर भूत प्रेत का साया होने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि यही वजह है कि तांत्रिक को बुलाकर छात्राओं पर झाड़ फूंक कराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी, उत्तर प्रदेश।